अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आप सबको जुम्मा मुबारक। आज बनाने जा रही हूँ एकदम सादी सिंपल खिचड़ी, मसूर की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। क्या करो, बच्चों लोग की स्कूल की छुट्टी है, मुस्कान की भी छुट्टी है, खाली सुहान गया था वो भी आ गया है, तो आज जुम्मा है, काम करने में काफ़ी लेट हो गया था। मेरी खिचड़ी और ठेसा बना लेती हूँ, मिर्ची का, हरी मिर्ची का, टमाटर का। देखिए मैंने ना एक कटी कांदा ली हूँ और चार पाँच हरी मिर्ची ली हूँ, ऐसे कटिंग करके ली हूँ, और एक एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये एक आधा चम्मच मुझे हल्दी है, और ये दो डेढ़ गिलास चावल है, इसमें मैंने 100 ग्राम मसूर की दाल मिलाई हूँ। तेल हमने ना आज कुकर में खिचड़ी बनाएंगे, 2 चम्मच तेल डाल के हमने गरम किए हैं। अभी तेल हमारा गरम हो गया है, अब कांदे को लाल कर लेते हैं, कांदा लाल कर लेते हैं। लाल हो गया, अदरक लहसुन भी इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को भी खूब अच्छे से भून के लेते हैं, अच्छे से ना, खूब अच्छे से 2 मिनट तक उसको अच्छे से भून लेते हैं। जुम्मा है, नमाज वमाज भी पढ़ना है, बहुत भारी है, जुम्मा के दिन काफ़ी लेट हो जाता है। हमारा लाल हो गया है, अब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। ये आधा चम्मच ही मैंने हल्दी ली हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, तो खिचड़ी खिचड़ी ज़्यादा ही पीली हो जाएगी, पास आने लगती है हल्दी की खिचड़ी के अंदर। अब हम पानी भी इसमें डाल देंगे, मेरे पास ऐसा लोटा है, मैं इससे 2 लोटा पानी डालूँगी, 1.5 गिलास चावल के लिए 2 लोटा पानी डाल दी मैंने। नमक भी ऐड कर, इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा और डाल देंगे, कभी कम पड़ेगा तो थोड़ा सा उसको अदन आने देंगे, ढाक देंगे उसको, फिर हम खिचड़ी धो के डाल देंगे। अभी चावल ऐड कर देंगे, 3 पानी से हमने चावल धो लिए हैं, और पानी में इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से, है ना, पूरा चावल को ऐड कर लेंगे इसके अंदर। देखिए चावल को हमने इसमें ऐड कर दिए, चावल पूरा अच्छे से डाल के हिला ली मैंने अच्छे से। अब कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं, 2 सीटी लगा के लेते हैं कुकर की, कुकर की 2 सीटी ले लेते हैं, फिर हम जब तक हमारी इधर ठेसे की तैयारी करते हैं। कुकर हम यहाँ रख देते हैं, ये वाले गैस पे उठा के, और ये देखिए ठेसे में हमने टमाटर हरी मिर्ची का ठेसे में हमने 10 से 12 मिर्ची ली हूँ, 3 टमाटर ली हूँ, और 1 गड्डी लहसुन ली हूँ, 1 गड्डी, ये थोड़ी सी कोथमीर है। पहले हम मिर्ची को अच्छे से तल लेते हैं, कढ़ाई में तल लेते हैं ना, तेल डाल के पहले मिर्ची फ्राई कर लेते हैं। चम्मच कढ़ाई में तेल डाले हमने, तेल थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर मिर्ची भी तल लेंगे, मिर्ची ढक के तलना है, नहीं तो बहुत उड़ेगी। साथ में हम ये भी डाल देंगे लहसुन, ताकि लहसुन भी थोड़ा सा अच्छे से लाल हो जाएगा मिर्ची के साथ साथ, इसके बाद इसको ढक के ना, नहीं तो फट फट उड़ने लगेगी, थोड़ा चला लेते हैं हल्का सा, ढक लेगी थोड़ा तलने के बाद, इसको निकाल लेते हैं, मिर्ची को निकाल लेते हैं पूरी, हाँ घास उठ रही है ना इसकी मिर्ची तलने की। साथ में लहसुन भी तल लेते ना, तो और टेस्ट आता है इसके अंदर लहसुन। ये टमाटर भी हमने जो कटिंग करके काट के रखे थे ना, ये टमाटर को भी डाल लेंगे, टमाटर भी अच्छे से तल लेते हैं। आपको जितनी मिर्ची लगेगी आप उतनी तलना, तीखा जितना आप लोग खाते हैं, है ना, मैंने ज़्यादा मिर्ची ठेसा है ना, ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है, तीखा तीखा खाने में मज़ा नहीं आया। टमाटर लाल हो गया है क्या, है ना, तेल में जो हमने डाले थे, हाँ देखिए टमाटर हमारा काफ़ी अच्छे से लाल हो गया है ना, फ्राई हो गया तेल में। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे, गैस बंद करके हम ये टमाटर को भी निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे ही लाल करना है खूब अच्छे से, मिर्ची विर्ची भी ऐसे ही लाल करना है, और टमाटर को भी ऐसे ही लाल करना है। अब हम इसको कूट लेते हैं अच्छे से, ये तेल ऐसे ही रहने देंगे, बाकी इसको रख देंगे तेल को। अरे मैं हमारे पास हमन दस्ता बोलते हैं ना कूटने वाला, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग हमन दस्ता ही बोलते हैं, ऐसा कूटने वाला, इसको हम सब इसमें डाल लेंगे पूरा अच्छे से,
से ऐड कर, इसको भी अच्छे से कूट लेते हैं, आराम आराम से इसको कूट लेते हैं। धीरे धीरे से कूटना है, न तो ये आंखें भी उछलता है ना कभी कभी, इसको आराम आराम से उसको कूट के लेते हैं। और ऐसे ही कूटना है, इसी में इसको मिक्सर में तो पीस नहीं सकते ना, तो उसको हम हमदस्ते में ही अच्छे से कुचलते हैं, इसको ऐसा आराम आराम से इसको कुचलना है। इतना अच्छी लगती है ना, ये थेसा बोलते हैं हम लोग इसको, जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी इसके साथ खाएंगे ना, एक नंबर, बहुत अच्छा लगता है थेसा। ये ऐसा धीरे धीरे पूरा थेसे से अच्छे कूट के ले लिए ना, मिर्ची को ऐसे ही कूटना है, मोटा मोटा ही, ज़्यादा ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हल्का सा मोटा रखना है, ऐसे ही मोटा रखना है। ऐसा हमने कूट के ले लिए है मिर्ची को, और इसमें जो तेल था ना हमारा कढ़ाई में हमने रखे थे, तो तेल में ऐड कर देंगे ये तेल को, इसमें तेल में मिर्ची कूट के रखे थे ना, इसमें ऐड कर देंगे पूरा पूरा अच्छे से, तेल में यही तेल में अपन को ऐड करना है, उसको अच्छे से 2 मिनट तक ऐसा ही चला लेते हैं तेल में, ये तेल में अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट तक 1 मिनट तक इसको भून लेते हैं खाली। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये ठेसा, खिचड़ी के साथ ये ठेसा बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों लोग को तो इतना पसंद है ये ठेसा खिचड़ी, बाप रे बाप, बहुत शौक से खाते हैं, जल्दी का खाना है, जल्दी जल्दी में बन जाता है, दोपहर के टाइम पर कुछ काम वगैरह लेट हो जाता है तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, तो जल्दी पक जाता है ये ठेसा। देखिए हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई है, ठेसा भी बन के तैयार हो गया है, ये खिचड़ी भी हमारी हो गई तैयार, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें खिचड़ी के अंदर, मस्त बनी एकदम। और गिल्ली गिल्ली थोड़ी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ी गिल्ली अच्छी लगती है ना खिचड़ी, मेरे घर में सूखी सूखी बनाएंगे तो बच्चों को पता, अम्मी हमारे हल्क के पता नीचे नहीं उतरता है, सूखा सूखा अटक जाता है, तुम कितनी सूखी बनाते हो, थोड़ी गिल्ली रखा करो, तो मैं थोड़ी गिल्ली बनाई खिचड़ी। देखिए मेरी खिचड़ी और ठेसा हो गया है तैयार, लाइक करना मेरी रेसिपी को, बताना मुझे कमेंट में मेरी रेसिपी कैसी लगी, वो इसका मिर्ची का ठेसा, मिर्ची और टमाटर का ठेसा और खिचड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट में, और ज़रूर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी को, लाइक और शेयर ज़रूर करना, खिचड़ी को ठेसा एक बार ज़रूर बना के देखना और खा के भी देखना, बहुत टेस्टी लगता है।